उत्तर प्रदेश नंबर एक है, लूट में नंबर एक है, हत्या में नंबर एक है, डकैती में नंबर एक है, छिनैती में नंबर एक है, कुपोषण में नंबर एक है, आत्महत्या में नंबर एक है, बेरोजगारी में नंबर एक है, और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 7 प्रतिज्ञाएं की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो गेहूं और धान 2500 रुपया क्विंटल में खरीदा जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि 400 रुपये में गन्ना किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 40% महिलाओं को तो टिकट प्रतिज्ञा ले लिया है और देने जा रही है। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन, ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी, और इतना ही नहीं, कोई भी हो बीमारी 10 लाख रुपए तक इलाज सरकारी की व्यवस्था। प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा लिया है 20 लाख सरकारी नौकरी, कॉन्ट्रैक्टर संविदा पर काम करने वाले लोगों को विनिवृत्तीकरण, और इतना ही नहीं, महिलाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा करने के लिए बसों की व्यवस्था फ्री, 10,000 रुपए आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को मानदेय के रूप में देने की घोषणा आदरणीय प्रियंका गांधी ने की।